Hare
राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, श्रीनाम संकीर्तन की जय, सर्वपाप की जय। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तन्तयुतं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयति गिरिं, यत्र पातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस खास नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष पे हम जो भागवत कथा कर रहे हैं सातवें स्कंद से। तो पिछले बार हमने चर्चा किया था कि कैसे जय विजय नामक दो रक्षक थे वैकुंठ धाम के, जो जिनको श्राप मिला चार कुमारों से, और उसके कारण वो भौतिक जगत में गिर गए। और यहाँ पे वो तीन जन्म लिए उन्होंने, और उसमें से पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हमने चर्चा किया कि कैसे हिरण्याक्ष ने पूरे भूमि को गर्भोदक सागर में डुबो दिया, तो वराह के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतरित होके उस भूमि को ऊपर उठाया और हिरण्याक्ष को भी मार डाला। तो जब परीक्षित महाराज चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और तब वो प्रश्न उठाते हैं कि हालांकि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि कई
दानवों को मार देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। जैसे उन्होंने शिशुपाल का उदाहरण दिया, शिशुपाल का को कृष्ण भगवान ने मारा और उनका जो आत्मा है भगवान की शरीर में विलीन हो गया। पर दूसरी जगह वेना नामक एक बहुत बड़ा राक्षस था अंग प्रदेश में, उसको नरक का वास भोगना पड़ा। तो ऐसा क्यों है? तो इसके ऊपर नारद मुनि ने जो चर्चा की थी युधिष्ठिर महाराज से, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान जो कोई भगवान के पास आता है उसके हिसाब से उनको आदान प्रदान करते हैं। वो तीन गुणों से परे हैं। इस दुनिया में अगर हम किसी से किसी का भला चाहते हैं या किसी के साथ संग चाहते हैं तो कुछ हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें कुछ मिलेगा। यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, कुछ मिलेगा तभी रिलेशनशिप आता है। और अगर जो चाहिए था वो खत्म हो गया तो वो व्यक्ति वो रिलेशनशिप भी भूल जाता है। पर भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान तीन गुणों के ऊपर है। अपने इसके बारे में काफी चर्चा की कि भगवान आध्यात्मिक लेवल पे हैं, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई गाली दे कोई उनकी तारीफ करे। पर क्योंकि वो जो भी एक व्यक्ति हैं, भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि पूतना को उन्होंने गोलोक में उन्होंने धात्री बनाया, कई सारे राक्षसों को मारा और उनको ब्रह्म ज्योति में विलीन करने का मौका मिला। और अभी भी हम देखते हैं कि कितने सारे नास्तिक लोग हैं जो बिल्कुल भगवान को मानते नहीं, फिर भी भगवान उनका सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। उनको खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। पर जो व्यक्ति जिस तरह से भगवान के साथ आदान प्रदान करता है उसी तरह से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करता है। कोई अगर भक्ति मांगेगा तो भगवान भक्ति देते हैं, कोई आर्थिक संपत्ति मांगेगा तो भगवान संपत्ति देंगे, कोई चाहिएगा कि भगवान मेरे जीवन में चाहिए ही नहीं तो भगवान सारा अरेंजमेंट करेंगे कि उस व्यक्ति को कभी भगवान की याद नहीं आए या वो भूल जाएगा। तो ये भगवान का जो न्यूट्रल स्वभाव है इसके बारे में नारद मुनि चर्चा कर रहे हैं। और अभी इस सिलसिले में हिरण्यक्ष का वर्णन आया है कि वो हमेशा जो सुर होते हैं देवी देवता उनके उनका क्यों साथ देते हैं? क्योंकि देवी देवता उन्हें भगवान कृष्ण का है मंथन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हिरण्यक्ष को मार दिया था वराह देव ने, तो इसलिए हिरण्यकश्यपु ने ठान लिया कि विष्णु को मारूंगा और इसलिए सारे राक्षसों को भेज दिया पूरे दुनिया में, क्योंकि तीनों लोक का राजा था वो, सारे जो देवी देवते थे छुप के बैठे थे, तो सब जगह आतंक मचा दिया उन्होंने उसने, और ब्राह्मणों को गायों को सब कुछ मारना चालू कर दिया। और अभी अपने सहचरों को, अपने भाई के पत्नी को और अपनी माँ को दीति को वो समझा रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि कैसे यमराज आते हैं और कथा में वो बताते हैं। तो उसके बाद ये सब समझाने के बाद सब अपने अपने महल चले जाते हैं और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने निकलता है, क्योंकि उसको विष्णु को मारना है तो उसको और शक्ति चाहिए। तो इसलिए वो मंदारा पर्वत पर जाता है और वहाँ पे कड़ी से कड़ी तपस्या करना चालू करता है। उसकी तपस्या मतलब आपको अगर मैं फोटो दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि दो पैरों पे अंगूठों पे पैरों के अंगूठों पे वो खड़ा है और हाथ उसके ऊपर हैं। हाथ उसके ऊपर हैं आकाश की तरफ और ऐसा वो हजारों हजारों साल खड़ा है। अब इस पे देख सकते हैं आप, एक 5 मिनट के लिए भी खड़ा रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर हिरण्याक्ष को इतना डिटर्मिनेशन था कि वो हजारों साल इस पिक्चर में दिख रहा है स्क्रीन मेरा। हरे कृष्णा, कोई कंफर्म कर सकता है? यस। तो ये पिक्चर में आप देखेंगे तो हिरण, देखिए आप कैसे खड़ा है वो उंगलियों पे अपनी पैरों की और हाथ ऊपर के ऊपर ऐसे कंटिन्यूसली हजारों साल खड़ा है। ऐसे बोला जाता है कि 10,000 साल तक वो ऐसे खड़ा था। तो कितनी कड़ी तपस्या थी उसने। अब इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद उसके शरीर से ज्वाला निकलने लगी
और आकाश की तरफ देख के वो तपस्या कर रहा है, इसलिए उसके हाथों से, शरीर से, सर से ज्वाला निकल रही है। और उस ज्वाला से, एक कोई साधारण ज्वाला नहीं, इस ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड तप गया, पूरा लाइट हो गया और तप गया वो ब्रह्मांड, इतना उससे शरीर से ज्वाला निकल रही है। हाँ, तो उसके शरीर से धुआं निकल रहा है और उसके हृदय, उसके सर से इतना मतलब लाइट निकल रहा है कि पूरे तीनों लोगों को उसने छा गया हो, और इसके कारण पूरे दुनिया में तीनों ब्रह्मा तीनों लोकों में भय का वातावरण हो गया। तो देवी देवता जो, तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो इसको देख के फिर देवी देवताओं ने क्या किया, देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास और बोले कि ये आपको पता नहीं है कि ये जो तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु, उसके कारण सब जगह आतंक फैला हुआ है, पूरा तप रहा है सब कुछ तीनों लोग, और वहाँ पे जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं या जो भी समंदर हैं वो पूरे हिल रहे हैं, और तारे वगैरह नीचे गिर रहे हैं, इतना कड़ी तपस्या थी उसकी, सब जगह भय ही भय का वातावरण है। तो और इसकी मांग क्या है कि हिरण्यकश्यपु चाहता है कि ब्रह्मा की जगह लूं मैं, ब्रह्मा की जगह लूं मैं और पूरे तीनों का राज मुझे मिले और मैं कभी भी मेरी मृत्यु ना हो, ये उसकी इच्छा थी। हाँ, तो एक्चुअली अभी ये तो सेवक है, या तो सेवक तो नहीं बोल सकते, बट राजा है, पर ब्रह्मा की जगह लेना चाहता है। वैसे कई बार देखा है कि कोई जो व्यक्ति होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो अपना मालिक का जगह लेना चाहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि सुबुद्ध राय करके एक व्यक्ति था, उसने अपने घर में एक लड़के को रखा था, मुस्लिम लड़के को काम करने के लिए। तो ये मुस्लिम का लड़का कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करके वो राजा बन गया उसी बंगाल का। तो एक दिन राजा बन गया, तो एक दिन घर पे था, तो उसकी बीवी ने पूछ लिया कि तुम्हारे जो पीठ पे ये चिन्ह कैसे हैं। तो उसने बोला कि हाँ, वो मेरे मालिक ने मुझे बचपन में मारा था, कि मैं कुछ गलत करता था तो कभी कभी वो मारता था। तो उसकी बीवी एकदम गुस्सा होती, बोली अरे तुम राजा हो बंगाल के और ऐसे कुछ तुमको कोई मार सकता है। बोलते अरे वो तो प्रेम से मारा था मुझे, वह मेरे खराब आदतों के लिए मारा था, पर प्रेम भी उतना ही किया कि मुझे मेरे बेटे इतना प्रेम किया। तो नहीं 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 नहीं, आपको अगर मारा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बीवी बोल रही है उसको, आपने उसको मार देना चाहिए, खत्म कर दो उसको। बोले अरे ऐसे कैसे खत्म कर सकता हूँ मैं, उसी के कारण तो मैं इतना बड़ा हुआ। तो बीवी बोलती है कि नहीं, पर कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो बोलता ठीक है, मैं उसको मुसलमान बना देता हूँ। तो सुबुद्ध राय को बुलाता है, और तब ऐसा था कि जो उनका एक ऐसा पॉट होता है उससे पानी लेके उसके सर पे डालेगा तो वो व्यक्ति मुसलमान बन जाता है, तो उसको मुसलमान बना दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सर्वेंट जो है मास्टर बनना चाहता है और बन जाता है। वैसे ही हिरण्यकश्यपु चाहता था कि मैं मास्टर बनो, ब्रह्मा बनो और सब जगह मेरा आतंक फैल जाए। तो ये सुन के फिर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं भृगु मुनि और बाकी सबके साथ, और इस पिक्चर में देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं हिरण्यकश्यपु से, क्योंकि ऐसा तपस्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो बोलते हैं उसको कि तुमने जो तपस्या की है उससे मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी तपस्या कोई पहले नहीं कर पाया है और बाद में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो शरीर था पूरे चींटियों ने खा लिया होता है, पूरे सिर्फ हड्डियाँ रहती हैं। 10,000 साल तक अगर ऐसे ही खड़े रहेगा तो क्या होगा, पूरे हड्डियाँ रहती हैं सिर्फ, और हड्डियों के अंदर ही सिर्फ वो आत्मा और उसका जो सूक्ष्म शरीर है रह जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, ये बहुत अच्छा प्रूफ है। तो इसके बाद फिर खुश होकर ब्रह्मा जी उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इसी का तो वेट कर रहा था कौन, हिरण्यकश्यपु। तो अभी हम पढ़ते हैं कि उसने क्या क्या मांगा, उसकी मांगे क्या क्या थी। ये भागवतम का आपको दिख रहा है कि पुराना दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ओके। तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु क्या करता है, हिरण्यकश्यपु 10-12 श्लोकों में ब्रह्मा जी का तारीफ करता है कि आप बहुत महान हो, आप ही सारे दुनिया के कर्ता हो, आप ही का कारण सब कुछ आया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब कोई दानव होता है, असुर होता है, उसे कुछ चाहिए होता है,
तो वो किसी की भी तारीफ करता है। यहाँ पे तो ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांड के नायक नहीं है, वो जानता नहीं है, उसको लगता है कि ब्रह्मा जी सब कुछ है और वो मुझे मृत्युदान दे सकते हैं। पर ब्रह्मा जी पहले ही बोलते हैं कि भैया देखो, मैं मेरे को भी मृत्यु है, मैं भी मर जाता हूँ, तो तुमको क्या है, ऐसे कैसे मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ, है ना। तो अभी देखते हैं अभी क्या मांग रहा है। तो ये मांग रहा है कि मुझे, अच्छा ये खोलने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन दिखता है, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए कोई भी जीव के कारण मैं ना मरूं। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं ऊपर ना मरूं ना मैं नीचे मरूं। मुझे ऐसा कुछ वर दे दीजिए कि कोई भी शस्त्र से, कोई भी मनुष्य से, कोई भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। आपने बनाए हुए कोई जीव जंतु किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसे बोल रहा है। हाँ, और आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, वैसे ही भी मुझे भी कोई हराए ना, और देवी देवता, दानव, कोई सांप, कोई भी मुझे मारे ना। क्योंकि उसने देखा था कि विष्णु जो है वराह के रूप में आया था और आए थे और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा था, इसलिए वो दिमाग लगा रहा है कि नहीं, कोई भी प्राणी ने मुझे नहीं मारना चाहिए, कोई भी सांप ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि पता नहीं उसको, उसको पता है कि ब्रह्म विष्णु जो कोई भी रूप में आ सकता है, इसलिए ये सारे वर मांग रहा है। हा? तो बेसिकली वो ऐसे सिचुएशन कर रहा है कि ताकि वो उसका मृत्यु हो ही ना। हाँ, और बोल रहा है कि पूरे तीनों लोकों पे मेरी जो राज्य है मेरा होना चाहिए और मुझे किसी ने कभी भी हराना नहीं चाहिए। इतने सारे वो मर मांग रहा है इससे, ब्रह्मा जी से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो दानव लोग होते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो अपने लिए सब कुछ मांगते रहते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। तो हिरण्य कश्यपु का मतलब ये है कि हिरण्य मतलब सोना और कश्यपु मतलब अच्छे गद्दी पे सोने वाला या अच्छे बेड पे सोने वाला। तो सोने के बेड पे सोने वाला या जिसके पास सोना बहुत ज्यादा है, ऐसा इसको बोलते हैं हिरण्य कश्यपु। तो ऐसा व्यक्ति था वो, तो उसने मांगा और फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया और वो चले गए। तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपना आतंक मचाना चालू कर दिया, और आतंक मचाते मचाते उसने क्या किया, सारे लोकों में, तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, सब ऊपर नीचे सब जगह, जहां पे मनुष्य रहते थे, गंधर्व रहते थे, गरुड़ रहते थे, सांप रहते थे, सिद्ध रहते थे, चरण रहते थे, ऐसे अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, विद्याधर, अलग अलग साधु, यमराज, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये सबको उसने परेशान करके रखा, भूत सबको। और वो खुद जाके इंद्र के भवन में नंदन कानन जो गार्डन है बहुत सुंदर है, वो वहां पे जाके रहने लग गया और वहां पे सब ऐशो आराम से उसका चलता है। अब ये जो इंद्र का जो महल है वो खुद विश्वकर्मा ने बनाया है। विश्वकर्मा मतलब देवी देवताओं का आर्किटेक्ट, बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट है, क्योंकि उसने बहुत सारे सुंदर सुंदर उसने महल बनाए हैं। तो ये उसने इतने सुंदर बनाए हैं महल कि उसके जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, वो कोरल से बनी है। कोरल मतलब अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहर होते हैं। फिर जो फ्लोरिंग है, जैसे हमारा टाइल्स का होता है वैसे इमराल्ड का फ्लोरिंग था उसका। फिर जो दीवारें हैं वो क्रिस्टल की दीवारें हैं, समझे, क्रिस्टल की दीवारें तो चमक रही हैं। फिर उसके जो कॉलम्स हैं जिसके ऊपर सब पैलेस खड़ा होता है, वो वैदूर्य मणि से बना हुआ है, वैदूर्य मणि। और अलग अलग ब्यूटी, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे कैनोपीज लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, और जो सीट्स हैं उसके बैठने के लिए, जो सीट होता है, कुर्सी होती है, वो रूबी की बनी हुई है, और उसके ऊपर सिल्क का बेडिंग है, और बाजू में सब पर्ल्स हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर चीज जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी चीजों से आजकल के लोग क्या अमीर हैं, आप सोच सकते हैं कि इंद्र का भवन क्या हो सकता है। तो इतना सुंदर था, और वहाँ के सारी जो लड़कियाँ जो फीमेल्स थी बहुत सुंदर थी, और देवी देवता जो थे वो कुछ तो भाग गए थे, जो बचे थे वो हिरण्यकश्यपु की आरती कर रहे थे, उसको मनन कर रहे थे, हाँ, और उसको दंडवत दे रहे थे। वो हमेशा हिरण्यकश्यपु दारू पी के
तुल्य होता था, उसकी आंखें जैसे गोल 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 घूमती थी और लाल लाल होती थी क्योंकि वो हमेशा दारू पीता था। अब सब कुछ तुम्हारे पास है तो व्यक्ति को बुरा संगत तो लगता ही, तो वो सिर्फ दारू पी के तुल्य हो रहा है। तो ये कोई भी एक आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का एक लक्षण है कि दारू पी के तुल्य होना और तो लोगों को परेशान करना। तो सारे लोग सिर्फ विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारों ने उसके पैर पर माथा टेका था, कोई भी उससे चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा भी आता है भागवतम कि नारद मुनि भी उसकी स्तुति करते थे, इतने तक उसने पूरे दुनिया में आतंक मचाया था। तो ये एक आसुरिक प्रवृत्ति की एक ये है जिसमें हम सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, तो ये उसकी प्रवृत्ति थी। तो अब उसका इतना बोलचाल था, या जो भी बोलते हैं कि उसका जो इतना कंट्रोलिंग मेंटेलिटी था, जो भूमि है बिना कुछ किए, बिना बीज बोए, बिना लो चलाए, अपने आप अनाज देती थी, अपने आप कुछ किए बिना और अनाज मिलती थी, गाय बहुत बहुत सारा दूध देती थी, और जो बाहरी जो स्काई होता है, आकाश होता है, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों से सुशोभित था, और जो समुद्र है, समुद्र भी सब प्रकार के ज्वेल्स जो होते हैं वो देते थे, और सात प्रकार के समुद्र थे वहाँ, खारा पानी, जो शुगर केन जूस, फिर वाइन, क्लैरिफाइड बटर, दूध, दही और मीठा पानी, ऐसे सात प्रकार के समुद्र थे जिसमें जाके वो ऐश करता था। तो इसीलिए और पूरे उसने सीजन्स को कंट्रोल किया था। जैसे अभी समर का सीजन है, अगर वो बोलेगा कि नहीं कल मुझे बारिश चाहिए तो बारिश आता, सिर्फ वो ऐसे भुए ऊपर करता था, आईब्रो ऊपर करता था और जो भी देवता की तरफ देखता था वो हाजिर हो जाता। सूर्य की तरफ देख ला, सूर्य भगवान आ जाओ, वो आ जाते थे। वरुण भगवान आ जाओ, आ जाएंगे। इतना उसका बोल चला था, इतना भयंकर उसका कंट्रोल था कि सब लोग उसके सामने झुक गए। पर ध्यान देने की ये बात है, इतना सब उसके पास होने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप खुश नहीं था, वो नाखुश था, मन में उसके कुछ खाली खाली था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति भौतिक सुखों के अंदर इतना अगर डूब जाए तो उसको बिल्कुल भी हृदय में शांति नहीं मिलती, हृदय एकदम खाली खाली हो जाता, कितना भी सुख मिले। इसीलिए वो अंदर से एकदम खोखला था, पर बाहर से देखा था कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है। और सारे देवी देवता एकदम परेशान हो गए थे, क्या है भाई, पहले भी आतंक मचा रहा था, अभी भी आतंक मचा रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके उन्होंने क्या किया, वो वापस गए विष्णु के पास और बोले कि भगवान कुछ कीजिए आप। तो सबने आरती की, भगवान की, सबकी वंदना की। तो भगवान ने आकाशवाणी की, विष्णु ने, कृष्ण ने, भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं जल्द ही आने वाला हूं। हिरण्यकश्यप का जब सारे उसके 100 पाप भर जाएंगे तो वो अपने बेटे को भी परेशान करेगा, प्रहलाद को भी परेशान करेगा, और उस समय मैं आऊंगा और उसको उसका खात्मा कर दूंगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया तो देवी देवता एकदम शांत हो गए। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत परेशान करता था, बहुत, आगे हम देखेंगे भी। तो भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, भगवान की निंदा, खुद की निंदा भी सहन कर सकते हैं, पर भक्तों की निंदा की उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए भक्ति में भक्तों की निंदा ना करने के लिए एक हाथी माता का अपराध का वर्णन किया गया है कि हाथी जो होता है, जो पागल होता है, वो गार्डन में जाके सब कुछ दुध्वस्त कर देता। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है पर दूसरे भक्तों का निंदा करता है वो, तो उसके भक्ति में जो भी अच्छे गुण है सारे नष्ट हो जाते। तो उसी तरह से हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि प्रहलाद को बहुत परेशान किया, तो भगवान वो सहन नहीं कर पाए और फिर भगवान
अवतरित होंगे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो ये अभी से ही पहले से भगवान आकाशवाणी कर रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ। तो हिरण्यकश्यप के चार पुत्र थे, चारों बहुत अच्छे थे, उसमें से प्रह्लाद जो थे सबसे सुंदर और सबसे सुशील थे और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। प्रह्लाद मतलब, लाद मतलब आनंद देना, प्रह मतलब बहुत सारा, तो प्रह्लाद मतलब कृष्ण भगवान को या विष्णु को आनंद प्रदान करने वाले प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद, प्रह्लाद महाराज उनके अलग अलग नाम है। तो प्रह्लाद मतलब आनंद देने वाला भक्त ऐसे। तो उनके कई गुणों का वर्णन किया गया। अभी कौन गुणों का वर्णन कर रहा है? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। अब नारद मुनि कौन है? नारद मुनि प्रह्लाद के गुरु हैं, पर गुरु होके भी अपने शिष्य का वो एकदम हजारों मुंह से वो वर्णन कर रहे हैं, इतने अच्छे गुण हैं उसके पास। बहुत ही सुशील लड़का है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है और भगवान की भक्ति में अग्रसर है। बचपन से ही पेट में जब से था मांस के तब से भक्ति में अग्रसर था। अपनी इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर पूरी तरह से काबू है। हाँ, और जैसे कोई परमात्मा है सबके हृदय में, वैसे ही वो सबके लिए वो दयामय है, सबके लिए दया उसके पास है, प्रह्लाद के पास। जो एकदम बड़े व्यक्ति हैं उसके लिए वो एक क्या बोलते हैं, दास की तरह है। जो गरीब व्यक्ति है उसके उनके लिए वो पिता की तरह है, और जो उसके साथ वाले व्यक्ति थे उनके लिए वो भाई की तरह है। तो ऐसे है, और जो बड़े बुजुर्ग थे, टीचर्स थे या गुरु थे, उनको वो भगवान की तरह मानता था। तो ये उसके गुण हैं प्रह्लाद महाराज के। हाँ, पूरी तरह से प्राइड, दंभ से वो दूर था। उसको बिल्कुल कोई दंभ नहीं था कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत भक्त हूँ। और क्योंकि उसके पास अच्छा स्कूलिंग था, अच्छे घराने में वो पैदा हुआ था। हिरण्यकश्यप के घराने में तो पूरा दुनिया का मालिक था, पर उसको कोई भी दंभ बिल्कुल नहीं था। सुंदरता या बहुत सारा पैसा, उसके कारण उसको कुछ भी गर्व नहीं था। और असुरों के घर में पैदा होते हुए भी वो बहुत बड़ा भक्त था। कभी भी कोई भी वैष्णव क्या, कोई भी असुर से भी वो कभी भी द्वेष नहीं किया उसने। हाँ, और कितना भी उसको, प्रह्लाद महाराज को कितना भी आप डेंजर में डालो, वो बिल्कुल कतराए नहीं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं, अरे मैं अभी क्या करूंगा, नहीं, बिल्कुल भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। कभी भी वो कर्मकांड में उनका मन नहीं लगा। बचपन से ही वो भक्ति करते थे, बचपन में कभी वो खेले नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते वैसे खेले नहीं। कोई भी भौतिक इच्छाओं से परे थे, बिल्कुल उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं थी भौतिक, और हमेशा अपने बुद्धि को और अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि प्रह्लाद महाराज अभी भी वैकुंठ लोक में रहते हैं और नीचे एक सूतल प्लैनेट है वहां पे भी रहते हैं। बलि महाराज का जो प्लैनेट है वहां पे भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं साथ में। आप बोलेंगे अरे दोनों जगह कैसे रहते हैं? तो ये बड़े भक्त के लिए और भगवान के लिए पॉसिबल है। भगवान एक ही जगह दो दो तीन तीन जगह रह सकते हैं, तो भगवान के लिए भक्तों को देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए दोनों जगह रहते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं कि सब जगह जहां जहां भक्तों का वर्णन होता है, जहां जहां भागवतम का वर्णन होता है, प्रह्लाद महाराज का वर्णन आता ही आता है। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, लास्ट के 18 साल वो पुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में, तो वहां पे गदाधर पंडित जो भी राधा रानी की एक्सपांशन है उनके साथ वो रोज 5-5, 6-6 घंटा भागवतम का चर्चा करते थे, और रोज प्रह्लाद महाराज की कथा रोज सुनते थे। प्रह्लाद महाराज, ध्रुव महाराज, दोनों की कथा रोज सुनते थे। और जब पढ़ के हो जाता था कथा, तो गदाधर वो बोलते थे कि वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, ऐसे 100 बार उसको पढ़ने के लिए बोलते थे। कितना वो रस लेते थे चैतन्य महाप्रभु प्रह्लाद महाराज की कथाओं में। तो इसलिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कोई साधारण कथा नहीं, ये बहुत दिव्य कथा है जो खुद भगवान सुन रहे हैं और भगवान उसी कथा में शामिल हैं, अपने भक्त को बचाने आ रहे हैं। तो ये कथा बहुत उच्च कोटि की है, हमें दर्शाने के लिए कि हमने भक्ति कैसे करनी चाहिए, प्रह्लाद जैसी भक्ति करनी चाहिए जहाँ पे कोई डर नहीं,
जहां पे कोई गर्व नहीं, जहां पे कोई द्वेष नहीं है, कि सबके लिए समभाव है, समोहम सर्व भूतेषु न मे द्वेषोस्तु न प्रिया, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। बट प्रहलाद भक्तों में भी वही गुण आते हैं, ऐसे प्रहलाद के गुण थे। बचपन से ही उनको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई खिलौने से खेले नहीं है, कुछ नहीं, बचपन से ही वो भगवान के जो लीलाएं थी उनको याद करते थे और उसमें वो मग्न हो जाते थे। हमेशा कृष्ण भगवान की लीलाओं में मग्न होते थे, जब भी वो देखते थे वो हंसते थे, रोते थे, क्यों? भगवान को याद कर। भगवान की लीला जब याद रहती थी तो वो भगवान उनके साथ रहते थे, तो इसलिए हंसते थे। और भगवान जब दूर चले जाते थे, उनको याद नहीं आता था, तो क्या करते थे? रोते थे, जैसे छोटा बच्चा रोता है। तो यही एक लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई जो भक्त होता है भगवान के लीलाओं में कितना उसका मग्न है, उसका मन ऐसे। और भगवान उनके भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आके, उनके सपने में ही नहीं, उनके मन में आके, चित्त में आके उनको आलिंगन देते थे। आप सोचिए कितने बड़े भक्त हैं, हाँ, वो आलिंगन देते थे। और क्योंकि भगवान के हमेशा वो याद करते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि उनका खाना कब हुआ, सोना कब हुआ, कपड़े किसने बदले, नहाए कब, कुछ नहीं पता चलता था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है एक आधा 6 महीने का, तो माँ सब कुछ करती है उसका, उसको खाने के लिए दूध देती है, उसको नहलाती है, सब कुछ भगवान बच्चे का माँ करती है। बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है, बच्चों को कुछ देना देना ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर सब कुछ उसका हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। वैसे ही प्रहलाद महाराज का अपने आप से होता था, वो ध्यान ही नहीं देते कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से वो अपना उनका बचपन बिताते थे। तो कभी वो रोते थे, कभी हंसते थे, कभी एकदम नाचते थे, कूदते थे, कभी गिरते थे, हाँ। तो भगवान को देख के जोर जोर से चिल्लाते थे और जोर जोर से हंसते थे। तो ये उसको बोलते हैं अष्ट विकार, या अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। इसका मतलब है कि 8 प्रकार के विकार होते हैं। जो भक्त अपने भगवान को याद करता है और जो उच्च कोटि का होता है, उस उच्च कोटि के भक्त में अष्ट विकार आते हैं। क्या क्या होते हैं वो? जैसे वो लोटपोट होता है खुशी से, उसके शरीर में जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं, रोमांच खड़े होना बोलते हैं, वो खड़े होते हैं। फिर वो कुछ भी बड़बड़ करता है, जैसे राधा रानी जब भी कृष्ण को याद करती थी तो एक भौरे को बोलते थे कि ए भौरे कहाँ से आया तू, तू कृष्ण का सेवक है क्या, कृष्ण का कुछ मैसेज लेके आया क्या, कैसे है रे कृष्ण, मैं तुझसे वैसे क्यों बात कर रही हूँ, ऐसे घंटों घंटों उस भ्रमर से बात करती थी। इसको बोलते अष्ट विकार। कृष्ण के सोच में इतना गहरा सोचना कि हमारा चित्त जो है पूरी तरह से कृष्णमय हो जाए, ये होता है अष्ट सात्विक विकार। उसमें 8 प्रकार के अलग अलग विकार आते हैं। तो नाचना, कूदना, गाना, है ना, जैसे कब कीर्तन चलते हमारा मन इतना उसमें मग्न होता है कोई चीज का पता नहीं चलता ऐसे। तो कोई कोई जैसे होते हैं, वक्रेश्वर पंडित करके एक भक्त थे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, एक साथ जब वो डांस करते थे ना 72 घंटा कंटिन्यूस डांस करते थे, एक सेकंड के लिए भी रुकते नहीं थे, कितना, एक नहीं दो नहीं 72 घंटा 72 आवर्स कंटिन्यूस डांस करते थे कंटिन्यूस। और मुकुंद करके थे, कंटिन्यूस गाते थे वो, कंटिन्यूस 2, 4, 6 घंटा कंटिन्यूस गाते थे। और उनके अलग अलग भक्त भी ऐसा घंटों घंटों डांस करते थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है, भाव के स्तर पे है, प्रेम के स्तर पे है, जहां पे इन भौतिक रिस्ट्रिक्शंस की कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम थक गए वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ऐसे कई सारे, वैसे अभी शिला प्रपात थे, वो भी रात में सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठते थे, आप सोचिए। और ऐसा नहीं कि वो बाकी दिन आराम करते थे, नहीं, पूरे दिन कंटिन्यूसली काम करते थे, 12 बजे उठ के ट्रांसलेशन करते थे, उसके बाद जप करते थे, फिर मॉर्निंग वॉक जाते थे, फिर लेक्चर देते थे, कहीं कहीं फिर एक ही दिन में उनके 5-5, 6-6 एंगेजमेंट रहते थे लेक्चर देने की। फिर रात में सोते थे सिर्फ 2 घंटा, और कभी कभी खाना भी नहीं खाते थे, प्रसाद भी नहीं लेते थे। तो ये काम कहाँ से एनर्जी आ रहा है? भगवान से डायरेक्टली एनर्जी है, ये आध्यात्मिक एनर्जी है। इससे जैसा अभी हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस 10,000 साल तक एक हड्डी में रह सकता है, तो भगवान की एनर्जी से कोई भक्त बिना खाए पे कैसे नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं है। कई सारे ऐसे बड़े शुद्ध भक्त हैं जो रातों रात सोते नहीं है, फिर भी पूरा दिन नॉर्मली बिताते हैं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है। तो ऐसे करते करते
प्रहलाद महाराज बड़े हो रहे थे, 5 साल के हो गए, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भाई अभी प्रहलाद महाराज के स्कूल का कुछ देखा जाए। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य मतलब जो बचपन से ही या जिस फैमिली में पैदा हुए हैं वो फैमिली ही उनकी गुरु की परंपरा गई थी, तो वो उस इसमें आते थे। तो हमेशा शुक्राचार्य आप देखेंगे तो राक्षसों के वो पृष्ठ बनते हैं, गुरु बनते हैं, तो वो बहुत उच्च कोटि के गुरु हैं। शुक्राचार्य का भगवद्गीता में वर्णन आता है, आप अगर 11वें चैप्टर में देखेंगे तो उसमें वर्णन आता है, परम कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं शुक्राचार्य हूँ, शुक्र होकर के। तो वो उनके दो पुत्र थे, किसके? शुक्राचार्य के, शंड और अमर का। तो दोनों हिरण्यकश्यप के महल के बाजू में के महल में रहते थे वो, तो वो अपना गुरुकुल चलाते थे। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भाई पास में ही है तो प्रहलाद महाराज को उनके गुरुकुल में छोड़ा जाए और उनको पढ़ाई के लिए उत्साह दिया जाए। तो शंड और अमर का ने फिर अपनी पढ़ाई चालू कर दी, मतलब सिखाना चालू कर दिया। तो वो अलग अलग प्रकार के शास्त्र सिखाते थे, अर्थशास्त्र वगैरह वगैरह। तो इसमें 3 प्रकार के चीज़ें सिखाते थे कि पॉलिटिक्स कैसे करना है, इकोनॉमिक्स कैसे करना है और धर्म पर। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष नहीं सिखाते थे बट धर्म अर्थ काम। तो ये सब चीज़ों में वो सोचते थे कि प्रहलाद महाराज को हम एक्सपर्ट कर देंगे क्योंकि वो राजा के पुत्र हैं, ऐसा उनका कहना था। हाँ, बट प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था, वो बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये क्या है, ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं वो। शुद्ध भक्त के लिए ये पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स कुछ मायने नहीं रखता, तो इसलिए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि जो विष्कार है, बट वो चुपचाप रहते थे, कभी उन्होंने अपोज नहीं किया। हाँ, तो वो कभी नहीं सोचते थे कि मेरा मित्र है, मेरा दुश्मन है, ये मेरे प्रॉफिट का है, मेरा लॉस का है, कभी नहीं सोचते थे। सिर्फ जो कर्मी व्यक्ति होता है, जिसके मन में सिर्फ पाप है, जिसके मन में सिर्फ सुख भोगने की इच्छा है, वही व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये प्रॉफिट का है, मेरा क्या है लॉस। वैसे तो बहुत कुछ सिखाया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया प्रहलाद महाराज को और बोला कि बेटा आ जाओ, और अपने पैरों पे बिठाया उसको और उसको प्यार वार किया और उसको बोला कि प्रहलाद मेरे बेटा, तुमने अपने बचपन में अभी तुमने स्कूल में क्या सीखा है बताओ मुझे। क्योंकि जैसे कोई बच्चा अगर पहली बार स्कूल जाता है, आपने देखा होगा, तो पहले 2-3 दिन में माँ बहुत पूछती कि क्या सीखा आज, ABCD सीखा, कौन सा गाना सीखा, कौन से राइम सीखे, ऐसा पूछती है माँ, है ना। कहते पहली बार अगर कोई बच्चा कॉलेज जाए तो पूछते कि कैसा रहा कॉलेज, क्या सीखा तुमने। तो ये स्वाभाविक है कोई भी पिता के लिए, कोई भी माँ के लिए पूछना। तो ऐसे हिरण्यकश्यप ने उसको पूछा, बट जब उत्तर मिलने वाला है, ये कभी भी हिरण्यकश्यप ने अपने जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा उत्तर मिलने वाला है। अभी यहाँ से जो पुत्र और पिता के बीच में संघर्ष चालू होता है, ये पूरे स्कंद के रूप में, ये पूरे भागवतम के स्कंद में आखिर तक चलता है। इतना सुंदर भगवान ने प्लान बनाया है कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस है, उसको सब सब डर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के बाकी सब डर रहे हैं, पर उसका एक छोटा बेटा है 5 साल का, वो नहीं डर रहा। तो आप सोचिए, हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ है, कुछ नहीं है, 3 लोक हैं, पूरा ब्रह्मांड उसका है, ब्रह्मा जी को और ये 3 देवों को, देवों को छोड़कर सब कुछ उसका है, पर उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं ना पिन प्रिक, एक छोटी सी तकलीफ है। क्या है? मेरा बेटा जो है ना 5 साल का, वो मेरी सुनता नहीं है, मेरा बेटा जो है ना 5 साल का, वो विष्णु का भक्त है, ये उनका प्रॉब्लम था, ये उसका प्रॉब्लम था। उसको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाकी सब कुछ अच्छा है उसके लिए, खुश नहीं है फिर भी बाकी सब कुछ है, दुख तो नहीं है। पर जब उसे पता चलता है कि ये मेरा छोटा बेटा जो है ना, ये बिल्कुल मेरी सुनता नहीं है, विष्णु का भक्त बन गया है, उसका जो दिमाग सटक जाता है पूरा, आप अगर देखेंगे अभी कैसा उसका दिमाग सटक जाता है। तो वो पूछता है कि बताओ भाई तुमने क्या सीखा है। अभी हम ये वाला श्लोक पढ़ेंगे, बहुत है, 7वां स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक। तो यहाँ के जो अलग अलग श्लोक हैं, बहुत बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो आपसे मैं विनती करूंगा कि जो जो मैं श्लोक बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, और बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको बाय हार्ट भी कर सकते हैं, इतने सुंदर श्लोक हैं।
ये सबसे फेमस, ये भी सब बहुत बड़ा फेमस श्लोक है। श्री प्रह्लाद उवाच तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहा हित्वात्मपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद्धरीम आश्रयेत। तो प्रह्लाद महाराज क्या बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप कि ओ सबसे बड़े असुर, आप देखिए अपने पिता को असुर बोल रहा है और उसको अच्छा लग रहा है, इसको शेयर नहीं किया क्या, सॉरी वापस पास कर बोलता हूं। 7.5.5 श्री प्रह्लाद उवाच तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहा हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यत् धरिम आश्रये। ओ असुर श्रेष्ठ, जहां तक मेरे गुरु महाराज ने बोला है, जो जो व्यक्तियों ने ये टेम्पररी शरीर धारण किया है, टेम्पररी घर में रहता है, वो सब उसको परेशान कर रहे हैं, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी घर में, ये टेम्पररी शरीर में रहना मतलब कोई एक जो कुआं होता है जिसमें कोई पानी नहीं है बिल्कुल, ऐसे कुएं में गिरने लायक है, गिरने जैसा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए व्यक्ति ने, इसलिए इस व्यक्ति ने अपना जो सब कुछ त्याग करके कहाँ जाना चाहिए, जंगल जाना चाहिए। जंगल मतलब कहाँ, वृंदावन के जंगल में, और वहां पे जाके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। आप सोचिए इतना बड़ा राक्षस है और उसके सामने प्रह्लाद को पूछा गया कि तुमने क्या सीखा है, और पहला श्लोक बोल रहे हैं कि मैंने यह सीखा है कि हमने भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में आके हमने ये शरीर धारण किया है, ये शरीर जो है वो टेम्पररी है, हमारा फैमिली टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। ये तो हमारा भगवद गीता का कोर फिलॉसफी है जो बता रहे हैं। तो अब हिरण्यकश्यप को सुन के एकदम पागल हो जाता, बोलता है कि हर ये इसको किसने समझाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये तो मेरा असुर का लड़का है, असुर ही बनेगा, असुर थोड़ी बनेगा, ये सब ज्ञान उसको कहाँ से मिला। पर क्योंकि पहली बार सुन रहा है, उसको लग रहा है कि पता नहीं किसी ने उसको बोल दिया होगा, जैसे कोई छोटे बच्चों को कोई बोल देता ना, और छोटे बच्चे कभी कभी बोलते हैं, तो कुछ तो बोलते हैं, तो कोई बुरा नहीं मानता है ना। तो वैसे उसको लगा कि किसी ने उसको कुछ बहला दिया है, फुसला दिया है, तो मैं उसको समझाता हूँ। तो हंसने लगता है और बोलता है कि अरे इसको जरा देखो, कोई इस्कॉन का कोई आया होगा प्रीचिंग करने के लिए, इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो इसको संभालो जरा, कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आना चाहिए जो विष्णु के बारे में उसको बता रहा है। तो फिर शंड और अमेरिका जो उसके गुरु हैं, वो दोनों उसको लेके जाते हैं और बोलते हैं अरे प्रह्लाद, हमने तो तुमको ये सिखाया नहीं, तुमको किसने बताया ये, हाँ झूठ मत बोलना, तुम सच बोलना, बाकी लड़के सच बोलते हैं, तुम झूठ मत बोलना, बताओ कि तुम्हारा बुद्धि जो ये फिर गया है, ये किसके कारण फिरा है, किसने तुम्हारा बुद्धि फिर दिया, हाँ ये हमारे दुश्मन यहाँ पे कैसे आ गए, तुमको कैसे समझाया उन्होंने, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो प्रह्लाद अभी क्या बता रहा है, मैं सागर प्रणाम करता हूं भगवान को, जिस भगवान की ऊर्जा जो है, एक्सटर्नल एनर्जी उसको बोलते हैं हम, उस ऊर्जा से हर जीव को लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। तो अब देखिए कहाँ भगवान, कहाँ प्रह्लाद महाराज पहुंच गए, वो बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो ना कि ये दोस्त है दुश्मन है, ये आपका इल्यूजन है, ये सत्य नहीं है। किसी को दोस्त मानना, किसी को दुश्मन मानना, ये बाहरी रूप से सुपरफिशियल हो गया। सब लोग आत्मा हैं और सब भगवान के ही अंश हैं, तो आप ये दोस्त और दुश्मन क्यों बोलते हो, क्योंकि भगवान की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण आपको ये इल्यूजन होता है, मोह होता है, माया में फंस गए हो आप लोग, इसीलिए आपको सलाह, किसको बोल रहे हैं, गुरु को बोल रहे हैं आप लोग, दोनों गुरु को बोल रहे हैं। हाँ, पर जो व्यक्ति पंडित होता है, जिससे भगवान खुश होते हैं, जिससे भगवान का आशीर्वाद होता है, ऐसे भक्त पंडित बनते हैं, वह दुश्मन और दोस्त के बीच में फर्क नहीं करते हैं। जैसे पंडिता समदर्शनी विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवहस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शनी,
तो पंडित होता है उसके लिए सारे जीव एक जैसे ही दिखते हैं, वो बता रहे हैं वो सब को अपने भगवान का ही दास मानता है। तो इसको बोलते हैं वैष्णवा थिंकिंग या वैष्णव के जैसा सोचना और वैकुंठ के जैसा सोचना। वैकुंठ के जो लोग हैं ऐसे ही सोचते हैं कि सारे हमारे बांधव हैं, कोई भी किसी से हमें देश नहीं है, किसी से हमें बैर नहीं है। ये वैकुंठा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वैकुंठ की चेतना है। क्योंकि वैकुंठ में जाना है तो वहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे ये सारे काम क्रोध मद मोह मत्सर इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। तो वही चीज़ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वैकुंठ कॉन्शियसनेस में है, उनको कोई भी भौतिक चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लोग जो खुद को दुश्मन और दोस्त मानते हैं, हाँ, वो कभी भी भगवान के बारे में सोच के भगवान के बारे में कभी भी अपना प्रगति नहीं कर पाए। जो दूसरे को दोस्त कर किसी को दुश्मन मानते हैं वो कभी भी अपने आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पा रहेंगे, ऐसा प्रहलाद बोल रहे हैं। यहाँ तक कि वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी भी कई बार इस भगवान के इसमें फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। कभी कभी उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। जैसे ब्रह्म हुमन में उलीला में हुआ था, तो कभी कभी ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आता, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके बाद वही भगवान जिन्होंने सारे सृष्टि का निर्माण किया है, और ये जो अभी सिचुएशन है जिसमें आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, उन्होंने ही मुझे ये बुद्धि दी है। तो ये उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि किसने मुझे बताया, उन्होंने क्या बताया कि भगवान कृष्ण ने ही मुझे ये बुद्धि दी है जिसके कारण मैं आपको ये उत्तर दे पा रहा हूँ, और जिसके कारण मुझे मैंने जो भी बताया मैं बता पा रहा हूँ। तो ये बहुत उच्च कोटि का भाव है, उच्च कोटि का कॉन्शियसनेस है, जो हर कोई किसी के पास नहीं होता है। वो शंडा और अमेरिका समझ ही नहीं पाया क्या बोल रहा है प्रेरिता, इतना उच्च कोटि का भाव वो बता पा रहा है। और वो एक एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे कोई लोहे का टुकड़ा होता है, अब लोहे का टुकड़ा जो मैग्नेट के पास आकृष्ट होता है, हाँ, वैसे ही मैं खुद ब खुद भगवान की तरफ आकृष्ट हो रहा हूँ, और कोई उसका कारण है ही, मैं अपने आप से भगवान की तरफ आकृष्ट हो रहा हूँ, ऐसा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो ये सुन के शंड और अमेरिका बहुत गुस्सा होते हैं, उनको बिल्कुल ये अपेक्षा ही नहीं थी कि ये छोटा सा बालक ऐसी सब बातें करेगा। उनको लग रहा था कोई उनको उसको बहला रहा है, फुसला रहा है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। पर जब उनको समझ में आता है कि ये उसके, जैसा बोलते हैं ना मराठी में, अवगत गुना है तथा उसके खुद के शरीर में ही, आत्मा में ही, मन में ही भक्ति पूरी भरी हुई है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो बोलते हैं जाओ कोई एक लाठी लेके आओ, जो प्रहलाद है ना, ये हमारा जो नाम है, हमारे जो सब कुछ है, वो सब कुछ क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है ये बच्चा। हमारा जो शान है, हमारा जो नाम है, सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाला है, क्योंकि इसका जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गया है, और इसका जो बुद्धि है एक राख की तरह है। इस सुंदर, अभी वो असुरों की जाति को सुंदर बता रहा है, ये जो प्रहलाद है ये कोई राख की तरह है, राख एशेस, एशेस की तरह है पूरे डायनेस्टी में। और इसके बुद्धि के कारण हम जो दानव हैं, हम दानवों का जो नाम है वो मिट्टी में मिल रहा है। अब इसको जैसे चार डिग्री बोलते हैं ना, साम दाम भेद दंड, तो अब साम दाम भेद कोई काम का नहीं है, इसको दंड ही देना पड़ेगा, ऐसा शंड और अमेरिका उसको गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ के जो 99% लोग होते हैं वो आस्तिक आस्तिक नहीं होते हैं, अनास्तिक होते हैं, और ऐसे वो भक्तों को परेशान करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि इस केस में जैसे शंड और अमेरिका परेशान कर रहे हैं प्रहलाद को, वैसे ही जो नास्तिक लोग होते हैं वो भक्तों को परेशान करते हैं। तो अभी बोलते हैं कि ये जो मूर्ख व्यक्ति है प्रहलाद, ये एक जंगल में जैसे कोई कांटा होता है, कांटे का पेड़ है ये जो पूरा जंगल है, ये राक्षसों का चंदन का जंगल है। मतलब वो बता रहे हैं कि बेसिकली हिरण्यकश्यप का जो फैमिली है वो इतना अच्छा है चंदन की झाड़ की तरह, पर चंदन की झाड़ों के बीच में ये कांटे का
झाड़ आया है। हाँ, और जैसे चंदन की झाड़ को काटने के लिए कांटे का जो लकड़ी होता है वो काम आता है, वैसे ही ये प्रह्लाद जो कुल्हाड़ होती है उस कुल्हाड़ी के लकड़ी का काम कर रहा है, और वो कुल्हाड़ है विष्णु, और विष्णु ये पूरे हिरण्यकश्यप के फैमिली को मारने वाला है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रह्लाद के कारण हिरण्यकश्यप की फैमिली को धोखा है। जिस विष्णु ने हिरण्याक्ष को, उसके चाचा को मारा था, उस विष्णु का समर्थन करके, उसकी भक्ति करके प्रह्लाद जो है अपनी फैमिली में ही द्रोह कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, ऐसे दोनों बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया उसको डांटने का, और उसके बाद फिर उसका वापस एजुकेशन चालू कर दिया। तो फिर उसके बाद वापस एक बार उसको नहा धो के हिरण्यकश्यप के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अभी इसके बाद प्रह्लाद महाराज क्या बोले, हिरण्यकश्यप ने क्या बोला, ये हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। पांचवें अध्याय के 23 और 24 श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम एक आध दो एक्स्ट्रा सेशन कर लेंगे और हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये नरसिंह चतुर्दशी के बहुत अच्छे अवसर पे हम इसको चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? ओके, अगर प्रश्न नहीं तो हम एक 11 बार नरसिंह कवच बोलेंगे। ये जो नरसिंह कवच है, ये आप कोई भी, आपको लग रहा है कि आपको परेशानी है, आपको कठिनाई लग रही है, तो आप इसको दोहरा सकते हैं। भगवान जो है नरसिंह भगवान आपको बिल्कुल बचाएंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपको कोई रिलेटिव्स हैं, उनको तकलीफ है, कोई बीमार है, तब भी आप उनका नाम लेके ये 11 बार, 108 बार, कितने भी बार बोल सकते हैं, जितना ज्यादा बार बोलेंगे उतना अच्छा है। इसको नरसिंह कवच मंत्र बोलते हैं। तो नीचे वाला जो दिया है उग्र नरसिंह, हम ये 11 बार बोलेंगे और उसके बाद एक बार ये जय नरसिंह वाला बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप बोलिए, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है ये। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युन्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युन्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमामिहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमामिहम। अभी ऊपर वाला बोलेंगे हम, जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? ये आपको सॉन्ग बुक में मिलेगा, जो मैंने सॉन्ग बुक भेजा था। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए ग्रुप पे, मैं आपको वापस उसको सॉन्ग बुक को भेज दूंगा। हरे कृष्णा। इसके अलावा और एक बहुत बड़ा नरसिंह कवच मंत्र है, पर उतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, इसी मंत्र में सब कुछ अवेलेबल है। और नरसिंह आरती जो हमने गाई थी शुरुआत में, वो भी आप गा सकते हो। हरे कृष्णा। और वासुदेव चित्त प्रभु रंग राधिका माता जी, कुछ अनाउंसमेंट है? ओके, तो अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, किसी को प्रश्न नहीं है, तो हम यही विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने नरसिंह कथा बोलने के लिए मुझे मौका दिया और मुझे शुद्ध होने का मौका मिल गया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, नमस्कार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा नमस्ते हरे कृष्णा